भूमि की जाए सनातन धर्म की जय एक कहावत है सो सो चुहे खाके बिल्ली हज को चली आज समाज में इस कहावत का इतना ज्यादा असर देखने को मिलता है कि समाज में अगर सभ्यता की बात करते हैं संस्कारों की बात करते हैं विचारधारा की बात करते हैं तो क्या ये सोचने का विषय नहीं हो जाता है हमारी सोच क्या है हमारे विचार क्या है हम चाहते क्या हैं कोई व्यक्ति अगर बुरे कर्म पर है बुरे मार्ग पर है बुरे चरित्र का है तो भी उसे बुरा कहा जाता है लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी की संगत में आकर के धर्म के प्रभाव से किसी अपने इष्ट के प्रभाव से अपने माता पिताओं के संस्कारों से अगर सही मार्ग पर आता है सही मार्ग पर चलने का प्रयास करता है उन सब बुरे मार्गों को छोड़ करके और सत मार्ग पर पाने का प्रयास करता है तो आप और हम उसी समाज के भागीदार हैं जो कि उसे उस मार्ग पर आने के लिए उस मार्ग पर बढ़ने के लिए बाधा बनकर इसी कहावत के साथ किसोसो चूहे खा के बिल्ली हज को चली और उसे आने में रोड़ा अटका देते हैं क्या चाहते हैं समाज से हम क्या यही कि अगर कोई व्यक्ति सही मार्ग पर आ रहा है उसके हौसला देना उसकी हौसला अफजाई करना उसकी तारीफ करना चलिए साहब तारीफ ना की जाए तो कम से कम हम उसे डोमिनेट तो न करें उसे हम अपनी बातों से उल्हाने देकर के या ताने देकर के उसे कमजोर भी ना करें आज आप खुद स्वयं सोच के देखिए क्या आज के इस माहौल में किसी व्यक्ति का बुरी में बढ़ने के बाद में बुरे मार्ग पर चलने के बाद में या गायक सच मार्ग पर आ जाना उन बुरे कर्मों को छोड़ करके सत्य को अपनाना धर्म को अपनाना क्या आसान है क्या आपने कभी स्वयं ने करके देखा है अपनी आतों को अपने शोकों को या अपने किसी ऐसे व्यवहार को जो कि समाज को पसंद नहीं है घर में पसंद नहीं है क्या उसमें आप सफल हो पाए अगर आप स्वयं सफल नहीं हो सकते हैं और आप स्वयं अगर सफल नहीं हो पाए हैं तो साहब जिस व्यक्ति ने इस प्रयास क्यों किया और सफल हुआ है तो कम से कम हम उसकी तारीफ तो कर ही सकते हैं और ना सही उसके मुख पर आप कुछ ना कहना चाहें ना कहें कम से कम उसके जाने के बाद उससे मिलने के बाद या उसके पीठ के पीछे तो तारीफ का हकदार बनता ही है लेकिन क्या सिर्फ इसलिए सिर्फ बात से इस वजह से हम उसे कटाक्ष करते रहेंगे उसे उसी रूप में स्वीकार करते रहेंगे क्योंकि हमें यह बात गले उतर नहीं चाह सकती कि कोई व्यक्ति जो उस मार्ग पर था मार्ग पर कैसे आ गया है यह आपकी कमजोरी है या उस व्यक्ति की बलवंता यह क्या है सोच के आप स्वयं देखिए जो व्यक्ति सदमार्ग पर आगे बढ़ चुका है जो बुरे कर्मों को छोड़ करके अपने संस्कारों पर अपने राष्ट्र हित के लिए अपने समाज के हित के लिए देश के हित के लिए घर के हित के लिए अगर अपने अस्तित्व को अपने अरमानों को अपने संस्कारों को चमका रहा है वो चमकाता ही जाएगा लेकिन आप सिर्फ जिरण की भावना से द्वेष की भावना से आप नित्य प्रतिदिन गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे संभालिए अपने आप को यह कैसी दौड़ है क्या कर रहे हैं हम लोग अगर कहा जाता है जो व्यवहार आपको स्वयं के लिए पसंद नहीं है कृपया दूसरों को भी ना दे समाज में हम कोई अच्छा नहीं कर सकते हैं जो अच्छा कर रहा है कम से कम उसका साथ नहीं दे सकते हैं उसका कटाक्ष भी मत कीजिए समाज क्या चाहता है आपसे हम हित की बात करते हैं समाज के हित की बात करते हैं देश हित की बात करते हैं हिंदू जागरण की बात करते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं तो कहां चली आती ये बातें उस वक्त जब कोई हमारा ही व्यक्ति हमारे बीच से निकला हुआ कोई शख्स कोई बच्चा जो हमारी नजरों में पहले कुछ और रहा हो और आज उसका आंकलन कहीं और हो रहा है तो हमें क्यों खलता है हम क्यों उसे इस रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं जब आपने बुराई में उसे स्वीकार किया था जब बुराई में आप उसको उंगली उठाने के लिए तैयार थे दस लोगों के सामने उसे जलील करने को आप ही तैयार थे तो आज ये वही शख्स है जो उस माहौल से निकल करके एक नए माहौल का निर्माण कर रहा है तो आज स्वीकार क्यों नहीं कर सकते जब आप उसमें उंगली उठाने की ताकत रखते हैं तो आज गले लगाने की हिम्मत क्यों नहीं कर सकते क्यों बुराई पे उंगली उठाना आसान है और कोई अगर सच कर रहा है सत्य कर रहा है सत्यकर्म पर बढ़ रहा है उसे हाथ मिलाना गंदा ततवाना बहुत मुश्किल है इसलिए कि आपका जो ईगमंड है आपका जो ईगो है वो कहीं ना कहीं चोटिल हो जाएगा आपने अपना चोट अपना दर्द देख लिया लेकिन उस शख्स को देखिए जो किस माहौल से निकल करके आया था आज किस माहौल में अपने आप को बढ़ा रहा है चढ़ा रहा है अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहा है क्या जब समाज उसे आज भी इसी निगाहों से देखता है इसी निगाहों से जो पुराना उसका परिचय था उससे आता है तो क्या उसे अच्छा लगता होगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब क्योंकि वो तो देव की भूमि पर देव आराधना में देव संस्कारों में हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आप स्वयं अपने सामने अपने इष्ट के सामने और आपके ईगो के सामने गुनेगार अवश्य होंगे हम समाज में कुछ दे नहीं सकते हैं तो कुछ लेने का प्रयास भी ना करें मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि अगर कोई व्यक्ति समाज में इस रूप में आगे आ रहा है उसे आगे आने दीजिए उसे स्वीकार कीजिए और साथ में उसका मार्गदर्शन मार्ग प्रशस्त कीजिए यह मैं कहना चाहूंगा कि सो सोचु खा के बिल्ली हज को चली मंदिर को चली अरे साहब वो धर्म के मार्ग पर चल पड़ी उसे याद तो आ गया लेकिन क्या आपको इस दोहे का मतलब समझ में आया है अगर समझ में आया है उस व्यक्ति को प्रोत्साहित कीजिए मार्गदर्शक बनिए न कि मार्ग का रोड़ा बनी है। अंबे, मात की जय भगवती की जय हो आपको अगर वीडियो पसंद आया है आपको लगता है कि मेरा कदम उचित है इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो के अंत में आप अपने कमेंट्स देकर करके मुझे आगे प्रेरणा के स्रोत बनकर के मेरा मार्ग प्रशस्त करें नमन